हे फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी आज करोड़ों प्रजातियों के पेड़ पौधे और जानवरों का घर है। इस घर में कई प्रजातियां रहने आई है और उन्हें बाहर भी निकलना पड़ा है क्योंकि वो यहाँ के बदलते कायदे कानून में अपने आप को ठीक से ढाल नहीं पाए। ऐसे जीवों में से कई जीव ऐसे हैं जो हमारी ही पृथ्वी में इतिहास से भी पहले जिए हैं और अगर आज हम इन्हें देख सके और इनके बारे में जान सके तो आप बिल्कुल हैरान ही हो जाओगे कि प्रकृति ऐसे कमाल भी कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जिन्हें देख के आप बिल्कुल खुश हो जाओगे और शुक्र मनाओगे कि ये आज जिंदा नहीं है। इनमें से आखिरी वाला पहले का सबसे खतरनाक जीव है। तो इन सब बहुत ही विचित्र जीवों के बारे में जानने के लिए आखिर तक जरूर देखिए और हमें बताइए कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, कैप्रोसूचस। इमेजिन कीजिए अगर एक मगरमच्छ और एक डायनासोर का बच्चा हो सका तो वो कैसा दिखेगा। कैप्रोसूचस बिल्कुल वैसा ही दिखता था। दिखने में ये जीव एक बड़े से मगरमच्छ की तरह दिखता है पर इसकी टांगे एक डायनासोर की तरह लंबी हो गई थी। अब जरा सोचिए, हम आज शुक्र मनाते हैं कि मगरमच्छों को कुदरत ने तेज गति नहीं दी है, लेकिन कई साल पहले जैसे आप देख सकते हो ऐसा बिल्कुल नहीं था और कैप्रोसूचस इस चीज का एक सबूत है। ये जीव आकार में 21 फीट तक का होता था और इसके जबड़े और दांत एक मगरमच्छ से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर ये जीव आज होता तो एक ऐसा मगरमच्छ होता जिसे आप दूर से ही देख के कभी भाग नहीं पाते क्योंकि इसकी लंबी टांगों की वजह से ये गारंटीड आपके पीछे भाग के आपको पकड़ लेता और यही ये जीव करने में सबसे ज्यादा माहिर था। नंबर टू, हॉस्ट ईगल। तो दूसरे नंबर पे एक ऐसी गरुड़ पक्षी है जिसे कहा जाता है दी हॉस्ट ईगल। अब ये पक्षी को विलुप्त हुए ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर हम सन 1400 में जन्म लिए होते तो हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकते। ये जीव विलुप्त सिर्फ इस वजह से हुए हैं क्योंकि लोग इनका शिकार करके इन्हें मारने लगे थे क्योंकि ये इतने खतरनाक जीव थे। हॉस्ट ईगल वैसे तो एक गरुड़ पक्षी ही था पर आकार में ये कई गुना विशाल था। जो आज के ईगल्स हैं वो आकार में दूसरे पक्षियों की तुलना में बड़े जरूर होते हैं पर ये इंसानों को नहीं उठा सकते और यही करने में दी हॉस्ट ईगल माहिर थे। इनका वजन लगभग 10 से 12 किलो के आसपास होता था और इनके पंखों की लंबाई जिसे कहते हैं विंग स्पैन 10 फीट तक का होता था। इमेजिन कीजिए अगर ऐसी कोई विशाल चीज आपको आकाश में दिख सके तो कितनी घबराने वाली बात होगी, राइट। पर सबसे पागलपन वाली बात यह है कि ये पक्षी अपने वजन से कहीं गुना ज्यादा वजन अपने साथ उठा के ले जा सकते थे। ये इतने शक्तिशाली थे कि एक टाइम पे अपने साथ 220 किलो तक का वजन उठा सकते थे और आसमान में ही अपने शिकार पर आक्रमण करके उसे मार सकते थे। बस इमेजिन कीजिए, आप कहीं जा रहे हैं और पीछे से यही पक्षी आपको अपने साथ उठा ले जाती है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज ये पक्षी नहीं रहे। नंबर थ्री, जाइगेंटोपिथेकस। तो तीसरे नंबर पे एक ऐसा विशाल जानवर है जो हमसे कुछ हद तक रिलेटेड हो सकता है। ये एक ऐसी प्रजाति है एप्स यानी बंदरों की जो कुछ 90 लाख साल पहले पहली बार देखे गए थे और अभी ही कुछ 1 लाख साल पहले खत्म हो गए हैं। वेल, मुझे तो खुशी है इस बात की क्योंकि ये जानवर आकार में 10 फीट तक लंबे होते थे और हद से ज्यादा शक्तिशाली। अगर आपको एप्स के प्रजातियों के बारे में जानकारी है तो आपको पता होगा कि एप्स अपने आकार के इंसानों से करीब 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब बस सोचिए एक 10 फुट लंबा एप कितना शक्तिशाली होगा। इतना शक्तिशाली कि किसी भी इंसान को कुछ पलों में ही चीर फाड़ के रख सकता है। मेरा मतलब ये एक रियल लाइफ मिनी किंग कॉन्ग की तरह होता। इसीलिए अच्छा है ये नहीं रहे और जाते जाते हमें एक सीख भी दे गए कि प्रकृति में जरूरी नहीं है कि बड़ी और शक्तिशाली चीज हमेशा बेहतर होती है। नंबर फोर, मेगा न्यूरा। तो चौथे नंबर पे आते हैं जिन्हें हम कहते हैं जायंट ड्रैगन फ्लाइज। इनका असल नाम है मेगा न्यूरा और ये किसी भी नॉर्मल ड्रैगन फ्लाइज से काफी गुना विशाल होते हैं। ये जीव करीब 600 लाख साल पहले पाए जाते थे इतिहास के कार्बनी फेरस एज में और ये भी एक वजह है कि ये आकार में इतने विशाल हो पाए। कार्बनी फेरस एज में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 35% तक थी जबकि आज सिर्फ 21% ही है। ये ज्यादा ऑक्सीजन इनके कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ा देता था और इस वजह से कोशिकाओं को अपने सभी कार्यों में एक बूस्ट मिल जाती थी। इस वजह से ये जीव आकार में इतने बड़े बन सके। लेकिन बस इमेजिन कीजिए अगर आज कोई इतना बड़ा 2 फुट लंबा ड्रैगन फ्लाई आपके सामने से गुजर गया तो आपको कैसा लगेगा। मुझे पर्सनली नहीं पता कि मेरा रिएक्शन कैसा होगा लेकिन काफी अजीब जरूर लगेगा।
वैसे ये मेगान्यूरास वही चीजें खाते थे जो आज ड्रैगन फ्लाइज खाते हैं, पर इनके बड़े आकार की वजह से कुछ छोटे एम्फीबियंस जो दूसरे जीवों में उस समय विकसित हो रहे थे वो भी इनके शिकार थे। नंबर 5, मेगालोडॉन। अगर आपको शार्क मूवीज के शार्क्स खतरनाक लगते हैं तो जरा रुक जाइए जब तक आप मेगालोडॉन को देख ले। ये जानवर आकार में 70 फीट तक के होते थे, जो 3 ग्रेट व्हाइट शार्क्स के बराबर है। ये वजन में 10 से 50 टन तक के होते थे और इनका एक दांत 4 से 8 इंच तक का होता था। इनके जबड़े आकार में बहुत विशाल 6.5 फीट तक के रहते थे, जो एक इंसान को आसानी से निगल जाएगा। ये शार्क दूसरे छोटे शार्कों को भी एक ही बार में निगल सकता था। ये जानवर करीब 150 लाख साल पहले पहली बार देखा गया था और कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये कुछ 25 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गए। वेल, बस सोचिए अगर ये आज भी होते तो क्या आपको सच में बीचेस में जाने का मन करता? नंबर 6, आर्थोप्लूरा। तो नंबर 6 पे है एक विशाल सा मिलीपीड। अब ये वाला जीव एक तरह से मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ये जानवर आकार में 2 मीटर लंबा था और दिखने में कुछ इस तरह दिखता था। अब आप खुद ही देखिए इस जीव को और बताइए आपको कैसा लगेगा अगर आप इसे किसी रास्ते पे चलते देख ले। अगर आप एक इंसान है तो मुझे लगता है कि आपको खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ये इतना खतरनाक दिखता जरूर है, पर रिसर्चर्स कहते हैं ये मांसाहारी बिल्कुल नहीं था। हालांकि इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये फल फूल और घास ही खाते थे। इनके पीछे एक शक्तिशाली कवच होता था और इनके बड़े आकार की वजह से इनके बहुत कम शिकारी होते थे। ये उन जानवरों में जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती है अब तक के सबसे बड़े प्रजाति थे और पाए जाते थे पृथ्वी के वो हिस्से में जो आज स्कॉटलैंड और नॉर्थ अमेरिका है। नंबर 7, हेलिकोप्रायन। तो हम सब जानते हैं कि शार्क्स बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन इन शार्क से भी ज्यादा अगर कोई खतरनाक चीज है तो वो है एक शार्क किसी खास किस्म के हथियार के साथ। हेलिकोप्रायन एक बिल्कुल ऐसा ही शार्क था जिसके दांत एक बड़े चेन सॉ की तरह थे। इसके दांत इतने शक्तिशाली और धारदार थे कि ये किसी भी शिकार को आसानी से 2 टुकड़ों में फाड़ सकता था। कैलकुलेशंस कहते हैं ये जीव पहली बार देखा गया था लगभग 30 करोड़ साल पहले और ये विलुप्त हो गए लगभग 25 करोड़ साल पहले। इनके जबड़ों में एक बड़ी सी आरी होने के अलावा ये आकार में 30 से 40 फीट के विशाल जीव थे, जो इन्हें समुद्र के सबसे खतरनाक जीवों में से एक बनाते थे। वैसे सोचने की बात तो ये है कि अगर यह प्रजाति विलुप्त नहीं हुई होती तो समुद्र में इनके वजह से न जाने कितनी और प्रजातियां विलुप्त हो गई होती। नंबर 8, टाइटानोबोआ। अब आखिर में जो सबसे खतरनाक विलुप्त प्रजाति है वो है एक विशाल सा अजगर जैसा दिखने वाला सांप जिसका नाम है टाइटानोबोआ। ये सांप इतना बड़ा था कि इसके पसंदीदा शिकार थे विशाल मगरमच्छ। वो मगरमच्छ जिन्हें देख के आज जंगल के सारे जीव घबरा जाते हैं वो इनके फेवरेट स्नैक्स थे। ये आकार में 50 फीट तक लंबे होते थे और 1 टन के आसपास वजन करते थे। ये उस समय के पृथ्वी के ट्रॉपिकल भागों जैसे आज के कैम्बोडिया और लाओस में पाए जाते थे। ये अपने शिकारों को अपने शरीर से कस के दम घुटा के मार देते थे और फिर उन्हें एक ही बार में निगल देते थे। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये जीव उस समय के और उस जगह के सबसे शक्तिशाली परभक्षी थे और फूड चेन में सबसे ऊपर आते थे, इसीलिए ये अपने नीचे के सारे जानवरों को अपना शिकार बनाते थे, यहाँ तक कि विशाल एनाकोंडास को भी। अब फ्रेंड्स, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे इस भूखे जानवर की पेट की सैर तो बिल्कुल नहीं करनी, इसीलिए शुक्र है कि ये जानवर आज नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 भयानक जानवर जिनके बारे में जान के आपको खुशी होगी कि ये नहीं रहे। तो आपको इनमें से सबसे खतरनाक या सबसे डरावना जानवर कौन सा लगा, कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। मुझे पर्सनली तो टाइटानोबोआ सांप लगा, क्योंकि ये बड़ी आसानी से किसी भी इंसान को एक ही बार में निगल सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।